हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्म एंड मूवी। आप देख रहे हैं हिडन ट्रूथ। आज की जो खबर है उसके हिसाब से जो बातें चल रहे हैं, जो उड़ रहा है एक खबर, वो है कंगना रनौत की माताजी आशा रनौत बीजेपी ज्वाइन कर रही है। आप लोगों को शायद मालूम है कि कितने सारे तकलीफ़ों के अंदर से ये रनौत परिवार गुजर रहे हैं। शायद इसके हिसाब अगर हम उसकी जगह पे होते तभी परफेक्टली अनुभव कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते हैं। एक बेटी को लेकर इतने तकलीफ क्यों, क्या गुनाह किया उन लोगों ने? सोशल मीडिया में कुछ ट्वीट भी आ रही है कि आशा रनौत ज्वाइन कर रहा है बीजेपी। आप देख सकते हैं, ऐसे में बेकार के बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर लिखा है, देखिए, आशा रनौत बीजेपी ज्वाइन कर रही है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो शिवसेना गवर्नमेंट है वो काम ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उसके सारे जो दोस्त हैं वो उनसे हट के, उनसे अलग होके दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत थी? उद्धव सरकार एकदम टोटली फ्लॉप हो गया। शायद समय आ गया कि उद्धव सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़े, क्योंकि इतने सारे प्रेशर आ रहा है सारे भारतवर्ष से। सभी ने सपोर्ट किया कंगना को कि बीएमसी वाले ने जो किया है वो बहुत ही घिनौना काम किया है। एक लड़की के ऊपर तुम्हें शर्म नहीं आते है उद्धव ठाकरे? क्या कर रहे हो, किसकी बेटा हो तुम? बाला साहेब को सब पूछते हैं, नॉट ओनली शिवसेना, बाकी सारे जितने भी सारे दल है, राजनीतिक दल जो है, वो सभी ने, हो सकता है एक ऑपोजिशन में हो या नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन तुम उसके बेटे होके ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो? क्या तकलीफ है, एक लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना पड़ेगा। तुम्हारा पतन का कुछ शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे तुम तो गए, अरे जो तुम्हारा सेना है, जो चेले हैं, संजय राउत, प्रदीप सरनायक, सब क्या है, क्या कर रहे हैं? सब लोगों को भड़का रहे, उकसा रहे है। और ऐसे अगर तुम बदले के राजनीति करोगे तो हो सकता है सामने एक दो महीने में तुम पूरा राजनीति से ही गायब हो जाओ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आज आशा रनौत भी एक वीडियो के ज़रिए ये बात कही है कि वो हमेशा हमेशा वो उसके जो परिवार है, उसके जो ससुराल वाले हैं, के जो पिताजी के घर है, सब कांग्रेस को सपोर्ट करते थे आज तक। लेकिन कांग्रेस वाले मुंह में दही जमा के चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया। उसी की तो सरकार है ना, शिवसेना सरकार।
एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। लेकिन आज आशा रनौत अपने आप को रोक नहीं पाए, आज वो डिक्लेयर कर दिया, वो क्लियर कट कर दिया, अपने मुंह से कह दिया कि मैं इतने दिन थे कांग्रेस के साथ लेकिन अब नहीं रहूंगा। क्योंकि हम बीजेपी के साथ नहीं थे, कांग्रेस के साथ थे, फिर भी बीजेपी वालों ने, अमित शाह जी ने हमारे इतने मदद किया, वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, इसके लिए आभारी है आशा रनौत और उसके परिवार के साथ है और पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रही है। और ज्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेस ही थे, है ना, खुद से हम कांग्रेस ही थे, हमारे जो ग्रैंड फादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेस ही थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की लेकिन फिर भी हमें वहां से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेस थे लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली, किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सपोर्ट की थी और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ है, जिन्हें कहने की मेरी बेटी, देखो आज वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सपोर्ट नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता, अब हम मोदी जी के साथ कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, फूल नहीं है नारी है, नारी है, फूल नहीं है चिंगारी है, सरदार की नारी है। कंगना तुम आगे चलते चले जाओ, हम तुम्हारे साथ है, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, भारत के हर एक नागरिक तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो और जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, सलाखों के पीछे एक ना एक दिन गलत करने वाले को जाना ही पड़ेगा। अब देखते रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि उद्धव सरकार, शिवसेना गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, कंगना मैं तुम्हारे साथ हूँ, कंगना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात ज़रूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।